निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल की हो रही है हर जगह चर्चा से अन्य प्रत्याशियों की उड़ी नींद। बगहा में रोड शो के दौरान महिला समर्थक व पुरुष समर्थकों की लगी भारी भीड़। बता दें कि 2024 के वाल्मीकि नगर लोकसभा चुनाव में घटक दल के दिग्गज नेताओं की नींद निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल ने उड़ा दी है, क्योंकि पूरे जिले का सरपंच संघ, व्यापारी वर्ग और सर्वहारा वर्ग पूरे दिल से चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। पहली बार ऐसा है जब किसी निर्दलीय उम्मीदवार को इस क्षेत्र में इतनी भारी जन समर्थन देखने को मिल रहा है। बुधवार को बगहा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान लोगों की भारी भीड़ निर्दलीय प्रत्याशी जो गोभी छाप चुनाव चिन्ह के साथ दिनेश अग्रवाल मैदान में उतरे हैं, जिनसे मिलने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी थी। पूर्व में लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पंचायत के सरपंचों ने खुलेआम मीडिया के सामने आकर यह बयान दिया था कि उनके नेता दिनेश अग्रवाल हैं, क्योंकि पहले भी सभी पार्टियों और सरकारों ने उनको ठगने का काम किया है। व्यापारी वर्ग ने भी दिनेश अग्रवाल को अपना समर्थन देते हुए कहा है कि कोई भी सरकार उनके हितों का संरक्षण नहीं कर पाती है और स्थानीय जनप्रतिनिधि उनके हक में कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसीलिए दिनेश अग्रवाल, जो कि स्वयं एक व्यापारी समुदाय से आते हैं, उन्हें ही व्यापारी वर्ग अपना नेता मानता है। इसके बाद जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार की तलाश में पलायन, उसका दंश झेल रहे मजदूर वर्ग जिनकी संख्या इस लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक है, वह दिनेश अग्रवाल के साथ है, क्योंकि पिछले दो वर्षों से उन्होंने जो प्रयास किया है उसका सबसे अधिक लाभ निर्धन वर्ग को ही मिल रहा है, जिनमें वे अधिकांश सर्वहारा मजदूर वर्ग है। और दिनेश अग्रवाल लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चंपारण के अंदर स्थानीय स्तर पर ही कुटीर उद्योग, किसानों के फसल की उचित जगह पर बिक्री, उचित मूल्य और पर्यटन का विकास किया जाए, ताकि किसी को पलायन का दंश झेलना नहीं पड़े। उनके इसी विजन के कारण शिक्षित लोगों का एक बड़ा समूह भी उन्हें अपना समर्थन दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इनका चुनाव वे स्वयं नहीं बल्कि जनता लड़ रही है। एक समाजी का लाल खड़ा हुआ है, एजेंडा एक ही है, अपनी अपने समाज को सशक्त करना, इन महिलाओं को अधिकार दिलाना, उन गरीब महिलाओं के बच्चों की पीढ़ियों के लिए जो आज तक वाल्मीकि के धरती को चीट किया गया है, धोखा दिया गया है, उनको ये दिखाना कि ये समाजसेवी क्या कर सकता है, इन महिलाएं हमारे जो समाज के लोग क्या कर सकते हैं। जिन सांसदों ने धोखा दिया यहाँ पे, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के नाम को बदनाम किया, आज समय आ गया है, समाज स्वयं खड़ा हो गया आंदोलित होकर। बात बोलना चाहूँगा कि पार्टी के नाम पे ऐसे ऐसे प्रत्याशी को चुना जाता है कि जो इस मिट्टी के दुर्भाग्य की तरह है, तो पार्टी को समझना पड़ेगा कि जिस वाल्मीकि नगर को, जिस बिहार को बिहार बनाने की बात हो रही है, अगर आप ऐसे प्रत्याशी देखेंगे तो राष्ट्र हित में बिल्कुल भी नहीं है। सारी महिलाएं व्यापारी समाज से हैं, अन्य समाज से भी आई हुई है, और इनसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं हो सकता। तो इनको भी इस बात का मलाल है, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, वो व्यक्ति, वो समाज के लोग हॉस्पिटल पहुँचे पड़े मर जाते हैं। आखिर में ऐसा क्यों? अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, अपने बच्चों के हम क्यों डिग्री कॉलेज नहीं बना पा रहे हैं, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, हम कहते हैं कि हमारा बिहार ऐसा है वैसा है। यानी कि अच्छे प्रत्याशियों के लिए पार्टियों को भी नसीहत देना चाहूँगा कि कम से कम एक कार्यकर्ता ऐसा बनाइए, दीजिए इंटरव्यू लीजिए, जो अपने समाज के चरित्र का निर्माण कर सके। समाज के ऐसे चेहरे को, चाल चरित्र चेहरे को जनता पहचान चुकी है, अब ये कम्युनिकेशन का युग है। मैं मान सकता हूँ जो 20% लोग हैं उस कम्युनिटी के, जो किसानी लोग हैं, जो यादव कमेटी के लोग हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, जो जागरूक हैं, इस बार जनता दिखा देगी कि जो चोरी किया है उसका जवाब जनता स्वयं देगी। और मैं कहूँगा उन लोगों से, आपको लगता है कि आपके माटी का लाल, आपका बेटा, आपका परिवार का बच्चा खड़ा है और सुख दुख में साथी है, उसको आप याद कीजिएगा, हमेशा खड़ा मिलेगा।